लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के क़याम और उसकी तामीर व तरक्की में मसीहों का करदार। जब हम पाकिस्तान के हालात पर निगाह डालते हैं तो आगाज़ में ही जो अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया, बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुईं। अफसोस है, दुआगो भी हैं कि खुदा ताला तमाम गमजदा ख़ानदानों को अपनी तसल्ली अता फरमाए और बहसियत कौम जो रहनमा उस मुल्क में खुदा ने रखे हैं और मुल्क से बाहर भी जो इस मुल्क के खैर खां हैं, वो बाहम मिल बैठें, सोचें कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, इससे वापसी की राह कौन सी है ताकि अमन और सलामती फिर से उस मुल्क में बस जाएं। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ ये अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां तारीख को मसख करना और हकायक छिपा कर उस पर झूठ की मलम्माकारी करना, इसको सनद कबूलियत हासिल हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का अलम उठाए हुए हैं, इसके लिए उन्हें कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं, लेकिन वो कुर्बानियों से डरते नहीं। क्याम पाकिस्तान में मसीहों का करदार, तामीर पाकिस्तान में मसीहों का करदार, पहला शो हमने किया, उसमें बहुत सी जो अहम बातें थी उन पर हमने रोशनी डाली। मेरे साथ मेहमान भी थे, लेकिन मैं यहाँ पर आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, सच्चाई लिखने वालों में एक बहुत बड़ा नाम जनाब मोहतरम हामिद मीर साहब का है, जिन्होंने ये कालम लिखा और इसको तारीख का हिस्सा बना दिया ताकि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, बाहर बसने वाले और आने वाली नस्लें जान सकें कि मसीहों ने और दीगर कम्युनिटीज़ ने, जब मैं मसीहों की बात कर रहा हूं तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मसीहों का हिस्सा है, मुसलमान, हिंदू, सिख और दीगर जो कम्युनिटीज़ के लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद में अपना खून डाला, अपनी मेहनत से हिस्सा डाला, वो सब इस बुनियाद का हिस्सा हैं, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन हामिद मीर साहब ने बहुत खूबसूरती से इस बात को खोल दिया है और ये जंग अखबार में उन्होंने जो कॉलम लिखा था वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा ताकि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा बन जाए। और मैं आपको भी दावत देना चाहता हूँ, जो भी लोग कॉल करना चाहें आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी। हामिद मीर साहब का जो कॉलम है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये जंग अखबार में उन्होंने लिखा था और इसमें कुछ हिस्से जो हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, सनद रहेंगे। और वैसे आप ये अखबार ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसमें वो ज़िक्र करते हैं जब उनकी मुलाकात सिसल चौधरी से होती है, तो मैं कुछ इकतबास करता चला जाऊंगा इस सारे कॉलम से। कहते हैं आखिर में बड़ी आजजी से कहते कि 1965 और 1971 की जंग में कुछ करदार मेरा भी था और मुझे भी सितारे जुर्रत मिला था। फिर वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अपने साथ होने वाली कुछ ज़्यादतियों का जिक्र करते,
लेकिन आखिर में अपने पुरअज़म लहजे में कहते कि हमारे बुजुर्गों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया था और हमारे बच्चे आपके बच्चों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने शहबाज भट्टी के साथ मिलकर यह मुहिम चलाई थी कि तहरीक पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के किरदार को मुतालिया पाकिस्तान में शामिल किया जाए और दिफाए वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले मसल्ला अफवाज के गैर मुस्लिम अफसरान और जवानों का भी मुनासिब जिक्र किया जाए। वो अक्सर उकात 23 जून 1947 को मुतहदा पंजाब असम्बली के इजलास का जिक्र करते थे जिसमें फैसला किया जाना था कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल किया जाए या हिंदुस्तान में। यह बहुत अहम बात है, आप सब गौर से सुनिए। यह तारीख का वो हिस्सा है जिसको आज नई नस्ल और जो पुरानी नस्ल है जानने की जरूरत है, जिसमें फैसला किया जाना था कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल किया जाए या हिंदुस्तान में। पंजाब असेंबली के स्पीकर दीवान बहादुर एसपी सिंघा, सीई गिबन और फजल इलाही का ताल्लुक मसीही बरादरी से था। इन तीनों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। हिंदुस्तान के हक में 88 और पाकिस्तान के हक में 91 वोट आए। तीन मसीही अरकान के वोटों के बायस फैसला पाकिस्तान के हक में आया, लेकिन बरतानवी सरकार की बददियानती के बायस पंजाब को तकसीम कर दिया गया। हालांकि पठानकोट और गुरदासपुर के मसीहों ने अपने वकील चौधरी चंदूलाल के जरिया से बाउंड्री कमीशन से कहा था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ जब वो आगे लिखते हैं तो वो फिर कहते हैं कि सिसल चौधरी पाक फजाइया के उन 7 बहादुर अफसरों में से थे जिनको सतारा जुडस से नवाजा गया। इसके बाद आगे वो फिर 1965 की जंग का जब जिक्र करते हैं तो वो वहाँ पर कहते हैं कि कितने जो मसीही सिपाही थे उन्होंने अपना अपना किरदार इसमें अदा किया था, जिसमें वो लिखते हैं छप सेक्टर में कर्नल डब्ल्यू हर्बर्ट थे, जफरमाल शकरगढ़ सेक्टर में कर्नल के एम रॉय थे, और इसके बाद एक पूरी लिस्ट है। फिर आगे भी वो बहुत से लोगों का जिक्र करते हैं जिसमें वो कहते हैं ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टन और दीगर जो लोग हैं, और फिर वो मौजूदा दौर तक आते हैं और वो फिर आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों और बहादुरी के कारनामे सर अंजाम देने वाले मसीही अफसरान और उन जवानों के बारे में आज़म मराज की हाल ही में एक किताब शाया हुई है जिसका नाम सब्ज़ और सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफिज़ है। इस किताब में मसीही जानबाजों का जिक्र भी है जिन्होंने सियाचिन और कबायली इलाकों में वतन का दफा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। इसमें वो जिक्र करते हैं कि बहुत से दीगर जो हमारे शहदा हैं जिनका ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से था उनका जिक्र वो करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आखिर में कहते हैं, जो कि बहुत ही अहम बात है, कि कुछ सादा दिल पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था तो फिर पाकिस्तान के नाम पर बनाए गए मुल्क की फौज में गैर मुस्लिम कैसे शामिल हो सकते हैं। इन सादा दिलों की खिदमत में अर्ज है कि एक हकीकी मुस्लिम रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक की हिफाजत करना सब मुसलमानों का फर्ज है, और उस मुस्लिम रियासत को बैरूनी खतरे से बचाना तमाम गैर मुस्लिम शहरियों का फर्ज भी है। और फिर वो कहते हैं, आगे लिखते हैं कि सिसल चौधरी के मसीही अबाओजदाद ने तहरीक पाकिस्तान की हमायत में इस उम्मीद पर वोट दिया था कि पाकिस्तान में उनके गिरजे और मंदिर महफूज रहेंगे। और फिर हम देखते हैं, आगे वो लिखते हैं कि आज कैप्टन हरचरण सिंह पाकिस्तान के परचम को इसलिए सलामी देता है कि पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के बारे में कहा था, फिर उठी आखिर सदाए तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया है ख्वाब से।
ये इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि सनद रहे कि पाकिस्तान की बुनियाद में जिन लोगों ने हिस्सा डाला उनका करदार। और फिर ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें पाकिस्तान और मुस्लिम लीग से मसीही बरादरी का तावुन, कायदे आजम यहां पर मौजूद हैं मसीही रहनुमाओं के साथ, और हाल ही में एसपी सिंगा जो कि उस वक्त मुतहदा पंजाब असम्बली के स्पीकर थे उनकी तस्वीर। और 2016 में देखिए इस बात को तस्लीम किया गया और उनके तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जो है वो पाकिस्तान में शाया किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसीही कायदीन और मोहतरम सेनेटर कामरान माइकल साहब सदर पाकिस्तान के साथ और दीगर मसीही कायदीन इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि हम जानें कि किस तरह से मसीहों ने इस मुल्क की बुनियाद में अपना हिस्सा डाला और तामीर में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। किसी ने सवाल किया था पिछली दफा के जनाब क्यों जो मसीही और दीगर अकवाम के लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डाला किताबों में उनका जिक्र नहीं है, तो आइए एक क्लिप देखते हैं, इसमें बताया गया है कि क्यों जिक्र नहीं है, फिर मैं अपने मेहमानों से मुतारफ करवाऊंगा। आइए ये क्लिप देखते हैं। तो मैं ये जो बात कर रहा था ना कि बगैर बिला इम्तियाज जो लड़े थे सब लोग क्रिश्चियंस जो हैं उनका क्या किरदार है हीरोज, मसलन चुंडा में कर्नल मार्विन कोर्डाजो, कर्नल डब्ल्यू हर्बर्ट, शकरगढ़ में कर्नल सुशील कुमार ट्रेसलर और कर्नल एलसी रॉथ, छमजोड़िया सेक्टर में कर्नल के एम रॉय, बेदिया सेक्टर में मेजर रामून जोशवा, सियालकोट सेक्टर में कर्नल डैनियल ऑस्टन, लाहौर सेक्टर में कर्नल एंथनी लैम, खेम करन पे कब्जे के दौरान वो शाना बशाना थे, सिपाही तालिम मसीह थे, चुंडा में शहीद हुए, नायक आरसी जेम्स सियालकोट सेक्टर में शहीद हुए, मतलब एक लाइन लगी हुई है। एयरफोर्स में जो 70 सितारे जरूरत मिले उनमें से 7 जिन्होंने हासिल किया वो क्रिश्चियन पायलट थे। ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, हम सब ने जाहिर उनका नाम सुना, स्कूल की निसाबी किताबों में उनका नाम था और तस्वीर भी आती थी। वो सरफराज रफीकी शहीद का जो स्क्वाड्रन था जिसने शुरू के दिनों में बहुत ही जबरदस्त किस्म की बम्बार्डमेंट की हलवाड़ा पे और पठानकोट पे, उस स्क्वाड्रन में वो शामिल थे। उन्होंने सियालकोट सेक्टर में फौजियों को दस्तों को खासी सपोर्ट फराहम की। इसमें जो सबसे दिलचस्प नाम है वो है स्क्वाड्रन लीडर एरिक गॉर्डन हॉल का। ओके, ये साहब एयर वाइस मार्शल के ओहदे से बाद में रिटायर हुए। 65 में इस बात पे इन्हें सितारा जुरत मिला कि पीएफ के पास बॉम्बर्स कम थे, अच्छा। फाइटर जेट ज्यादा थे, इंटरसेप्टर ज्यादा थे, जी हाँ। तो इन्होंने ये जुगाड़ की कि C-130 जो माल बरदार तैयारा होता है उसमें कुछ ऐसा कोई कन्वर्ट करके बॉम्बर बना दिया, अच्छा। और पहली जो सॉर्टी है वो इन्होंने खुद उस पे गए, खट्टू ब्रिज पे बमबारी हुई C-130 से बतौर बम्बार, और इस तरह के पूरी जंग में 13 मिशन हुए। स्क्वाड्रन लीडर मिडिल कोर्ट सितारा जुरत 2 दफा मिला, बिल्कुल, 71 में भी और 65 में भी। कराची में ये मारीपुर बेस पे थे 65 की जंग में, और कराची के ऊपर इन्होंने 2 इंडियन तैयारे भी गिराए, 17 मिशन किए। उर्दन की एयरफोर्स को एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। जब 71 में ये मिसिंग एक्शन हुए तो उसके बाद जो शाह हुसैन थे, जी हाँ, उन्होंने इनकी बीवी को खत लिखा कि अगर वो फर्ज करें कि हलाक हो गए हैं तो अगर उनकी लाश मिल जाए तो उर्दन का परचम भी उनके जनाजे पे डाला जाए, बेशक पाकिस्तानी परचम के साथ। तो एक है, अभी पता नहीं वक्त है या नहीं है, मैं इसमें से एक इक्तबास सुनाना चाह रहा हूँ, आप सुनाइए। ये इनका है लेजली मिडिल कोर्ट, इनकी जो बेटी है मार्विन मिडिल कोर्ट, इसका तस्करा है, इसका एक वाकया है बड़ा जबरदस्त। किताब का कवर भी आप बेशक दिखाते हैं, ये है किताब सब्ज़ो सफ़ेद हिलाली परचम के मुहाफिज और शोदा, ये आजम मिराज साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस किताब पे। ये वाकया है कि 1967 में जब स्क्वाड्रन लीडर मार्विन मिडिल कोर्ट की तैनाती सरगोधा एयरबेस पे थी तो एक दिन स्कूल में
उनकी 8 साल बच्ची लेजली ने अपनी क्लास में वतन के मोहब्बत पे तकरीर की रिहर्सल की। एक बच्चे ने कहा जाओ आओ जा, बड़ी आई वतन से मोहब्बत करने वाली, ये मुल्क हमारा है तुम्हारा नहीं है। जो लेजली थी वो शॉक हुई और जब उसे होश आया तो उसने उस बच्चे पे थप्पड़ों की बरसात कर दी और उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये कहने की कि ये मुल्क तुम्हारा है और मेरा नहीं है। उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो घर आई तो बाप आ गया, उसने कहा बेटा क्या हुआ? तो जब उसने वाकया सुनाया कि ये हुआ है और मैंने उस बच्चे को मारा है, ये रिमार्क देने पे उस तो जो स्क्वाड्रन लीडर साहब थे उन्होंने अपनी बच्ची से कहा कि अपना और अखलाक और किरदार इतना बुलंद रखो कि इस तरह की आवाज़ें तुम्हारे कानों में ही ना पड़ें। फिर उन्होंने बच्ची को पाकिस्तान का झंडा दिखाया और उन्होंने कहा कि ये सब हिस्सा तुम्हारे उस दोस्त का है जिसकी तुमने पिटाई की और ये सफ़ेद हिस्सा तुम्हारा है और तुम्हारे सफ़ेद हिस्से में वो पोल है जिसके सहारे ये झंडा फ़जा में लहराता है। हमें इस सफ़ेद हिस्से को मजबूती से थामे रखना है ताकि इसका सब हिस्सा फ़जा में हमेशा लहराता रहे। बहुत ही खूबसूरत। वो तो मिसिंग हो गए लेकिन लेजली मिडलकोर्ट ने आज तक मुल्क नहीं छोड़ा, हालांकि उसकी पूरी फैमिली अमरीका शिफ्ट हो चुकी है। लेजली मिडलकोर्ट ने आज तक मुल्क नहीं छोड़ा। हमें इस सफ़ेद हिस्से को मजबूती से थामे रखना है ताकि सब्ज हिस्सा फ़जा में लहराता रहे। आप ये हकायक सुन रहे थे ये तीनों साहबान दौरे हाजरा के तजज़िया निगारों में यकता हैसियत रखते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मेहमानों ने पिछली दफ़ा बहुत ही मेहनत से तफसील से तारीख के औराक से ढूंढ कर वो बातें आप सब तक पहुँचाई जो कहीं ना कहीं दबा दी गई, छिपा दी गई दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी टीवी दिए रखा है, ये शो हमारा है जिसमें हम बातें कर सकते हैं। इसमें मकसद सिर्फ ये है तरक्की मुल्क की, उसका वकार, उसकी सलामती, उसमें हम आहंगी भाईचारे और मोहब्बत की फ़ज़ा बनी रहे, कायम रहे, परवान चढ़े। और जो लोग और वो कुव्वतें जो खुशहाली मोहब्बत भाईचारे के खिलाफ हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे कि इस दुनिया में, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि लोग मोहब्बत के रवैयों में, बर्दाश्त के रवैयों में ढलना शुरू हो जाएं। तारीख के और आग से हमारे साथ मोहतरम एफ हमीद साहब होंगे, रिसर्च स्कॉलर हैं, पेशे के लिहाज से मेडिकल के साथ ताल्लुक, गहरी नज़र तारीख पर रखते हैं। हमीद साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमीद साहब, जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था पिछली दफ़ा वक्त की कमी के बायस, मेरी दरख्वास्त होगी वहीं से शुरू कीजिए और फिर ये जवाब मैं चाहूँगा कि क्यों तारीख से, ख़ास तौर से पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें से जो मसीही और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डाला वो शामिल नहीं है, इस पर भी बात कीजिएगा। सो प्लीज़ आपका वक्त है। मुझे ये अर्ज करने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के बनाने में मसीही लोगों का शुरू से बहुत गहरा हिस्सा है, बल्कि इसको आज़ादी पाक व हिंद अगर कहा जाए तो ये मसीही लोगों के तालीमी इदारे खोलने की वजह से जो रोशनी फैली, लोगों के जहनों में जो आज़ादी का एहसास बेदार हुआ वो मसीही तालीमात की वजह से ही था। और इन स्कूलों के पढ़े लिखे लोगों ने इस परचम को थाम कर जो पाकिस्तान की आज़ादी पर
منتج ہوا, اس کو وہ لے کر آئے ہیں. مثال کے طور پر مجھے تھوڑا سا پیچھے جانے دیجئے. جی جی ضرور. پنجاب میں تعلیم کا, بلکہ ہندوستان پورے میں تعلیم کا آغاز کن لوگوں نے کیا؟ مشنریوں نے. ہمارے اپنے ملک پاکستان لاہور میں ایس سی کالج کی بنیاد 1864 میں. جی حمید صاحب, میں اس طرف آؤں گا کہ میں پوچھوں گا یہ چار جو شعبے ہیں ان میں, تو پھر آپ اس پر روشنی ڈالیے گا. میری درخواست ہوگی برائے مہربانی آپ صرف یہ ابھی بتائیے کہ تاریخ سے ان لوگوں کے نام اور ان کے کارنامے کیوں نکال دیے گئے, کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیوں انکار کیا جاتا ہے ان حقائق سے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جناب اس سے سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب پاکستان اپنی تکمیل کے مراحل میں تھا, پاکستان کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں, تب ہندو مسلم اور مسیحی سب اکٹھے تھے. مسیحیوں کو آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا قائد اعظم نے ساتھ ساتھ رکھا, اور مسیحی لوگ اس کے بالکل بنیادوں میں تھے. لیکن پاکستان کے کوئی 5 سال کے بعد ایک تنگ نظری کا ایسا ماحول بنا کہ پاکستان کو صرف مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ہی پیش کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں. اور جنرل ضیاء کے آنے کے بعد تو یہ تنگ نظری اس حد تک بڑھی کہ یہ جو بلسفمی لا ہے یہ غیر مسلموں کے لیے بنایا گیا, اور شروع سے ہی ملک کو دو سیکشنز میں تقسیم کر دیا گیا, مسلم اور غیر مسلم. حالانکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا اس ملک میں کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہر کوئی اپنے مندر میں, اپنے گرجا میں, اپنی عبادت گاہ میں جائے, سٹیٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں. بہت لیکن شکریہ. پاکستان بننے کے بعد بہت شکریہ. جانتے ہیں کیا ہوا. بہت شکریہ حمید صاحب, آپ نے یہ بات اٹھائی کہ تنگ نظری کی وجہ سے یہ جو حالت ہے جس کا سامنا ہے اس وقت, اس کی ایک وجہ تنگ نظری ہے. بہت شکریہ. پھر میں آپ سے اور سوالات بھی پوچھوں گا. میرے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, صحافی ہیں, تاریخ پر, سیاست پر اور معاشرتی اقدار کی تبدیلی پر گہری نظر رکھتے ہیں. محترم خالد گل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے ہی پہلے ذکر کرنا چاہتا تھا, آپ نے ذکر فرمایا کوئٹہ کے سانحہ کا, تو یہاں پہ بھی مسیحیوں کا خون جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہا. اس میں بھی ہمارا نوجوان وکیل آرتھر وکٹر جو ہے نا وہ جامع شہادت اس نے نوش کی ہے. جی میرے پاس بھی کچھ نام آئے ہیں, بہت سے دیگر لوگ بھی ہیں مسیحی جو اس میں شہید ہوئے. کر رہا ہوں کہ میں نے ایک نام یہ بتایا کہ وکلا کے جو بڑی تعداد جو ہے وہ جنہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے, اس میں ایک ہمارے ہونہار وکیل جن کا نام آرتھر وکٹر ہے وہ انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا, اور بہت سے اور دیگر لوگ بھی ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ کے اس معلومات کی نظر یہ نغمہ جو ہے یہ صداقت پر مبنی ہیں, اگر لوگ سوچے تو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. بالکل جی ہم ایک ہیں. اور دوسری بات, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں, آپ نے ذکر کیا محترم جناب سیسل چودھری صاحب کا, تو ہم جو جدوجہد ہے ہم نے 1985 میں آغاز کیا, اور اس میں ہم نے مل کے وہ قائد تحریک شہباز بٹی شہید حق اور فیصل چودھری اور آپ کا جناب خادم خالد گل, یہ پاکستان کے کو بکو گئے کونا در کونا, اور وہاں پہ لوگوں کو یکجا کیا, کیونکہ قیام پاکستان نے تو مسیحیوں نے یا پاکستان کی اقلیتوں نے جو کردار ادا کیا ہی تھا, تو اب پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے یہ نعرہ لے کے اٹھے کہ ہم نگر نگر جائیں گے پاکستان بچائیں گے. جی خالد صاحب بہت شکریہ. شہر شہر جائیں گے
پاکستان قائد اعظم کے پاکستان کی تعمیر کر کے دکھائیں۔ جی بہت شکریہ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر کافی باتیں مزید بھی ہو سکتی ہیں۔ میری یہ درخواست ہوگی اس سوال کا جواب دیجئے کہ تاریخ کے اوراق سے، کتب سے، خاص طور پر جو نصابی کتب ہیں وہاں سے ان تمام جو ہیروز تھے ان کا ذکر نکال دیا گیا ہے۔ حمید صاحب نے کہا تنگ نظری ہے، آپ کوئی اور بات شامل کرنا چاہیں گے اس میں کیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ غیر محب الوطنی ہے جن لوگوں نے یہ حرکات کی ہیں، کیونکہ دنیا کا ڈاکٹر صاحب، یہ میں تمام ناظرین کی اور سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا خطہ نقشہ نکالنے، دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جو اقلیتوں نے بنایا تھا، سب اقلیتوں نے مل کر بنایا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب مسلمان بھی اقلیت میں تھے اور جو پاکستان بنا تھا وہ مشرقی اور مغربی دونوں حصوں پہ مبنی تھا، مگر وہ ہمارے ہی ان تنگ نظروں نے، انہی جاہلوں نے، انہی غیر محبل وطنوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ اس کو دو لخت کر دیا اس ہمارے ملک کو، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ملک تھا یا مسلمانوں نے بنایا تھا، تو مسلمانوں کی اقلیت تو وہ جا کے بنگلہ دیش بنا کے بیٹھ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں سے 1965 کا میدان ہو یا 1971 کا میدان، وہاں پہ کوئی مسیحی یا اقلیت ہی فوج میں جو شامل تھے لوگ، چاہے وہ بھری تھی، چاہے وہ بحری تھی، چاہے وہ فضائیہ تھی، اس میں سے کوئی بھی کمر دکھا کے نہیں بھاگا۔ یہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کس نے وہاں پہ کمر دکھائی، کس نے ہتھیار پھینکے، اور وہ کون جان بوجھ کے جنگی قیدی بنا۔ جی بہت شکریہ خالد صاحب، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن پر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، شکریہ آپ نے اس بات کو کھولا، اس کے بہت سے دیگر پہلو بھی ہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر، اس پر بہت سے جو لوگ ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آپ ذرا اس کا پس منظر بتائیے گا تھوڑا سا، چونکہ ساری کمیونٹیز کے لوگ شامل تھے، تو میں چاہوں گا، اور اس کے بعد حمید صاحب آپ سے بھی درخواست ہوگی آپ بھی اس پر روشنی ڈالیے گا، 11 اگست کی تقریر جو ہے محترم خالد صاحب، اس کا پس منظر بتائیے گا تھوڑا سا۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم ہمیشہ 11 اگست کو یوم آزادی قرار دیتے ہیں، یوم آزادی اس لیے قرار دیتے ہیں کہ کسی بھی غلام ملک کی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا۔ 10 اگست کو یہ اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت ایک اچھوت رکن غیر مسلم نے کی تھی، اس کا نام تھا جوگندر ناتھ مینڈل، اور جوگندر ناتھ مینڈل جو ہے اس نے صدارت کی، اسی کی صدارت پہ محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا خطاب بھی ایک مسیحی نے دیا ہوا ہے۔ سر یہ بھی آپ ریکارڈ پہ، آپ اگر اسمبلی کے ریکارڈ نکالیں، یہ ڈان نیوز اس وقت کی نکالیں، اور یہ تمام اخبارات جرائد رسائل میں یہ چیزیں مرقوم ہیں، اور آل انڈیا ریڈیو پہ کے ریکارڈ پہ بھی یہ موجود ہے، اور پھر یہ آل انڈیا کی اسمبلی کے ریکارڈ پہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس کو تاریخ کو اس طرح مسخ کر دیا گیا ہے جیسے جو اس وقت تحریک پاکستان میں قیام پاکستان کے خلاف تھے، اس کی نظریاتی اساس کے خلاف تھے، اور جو غریب متوسط طبقے کے قوم اقوام تھی، اس میں مسیحی تھے، پارسی تھے، بھائی تھے، بندش تھے، کلاش تھے، اور مسیحی تھے، سکھ تھے، اور نچلے طبقے کے ہندو تھے، جنہوں نے مل کے مظلوم مجبور پاکستان مسلمانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو وجود دیا تھا، تو اس کو انہوں نے سرے سے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خالد صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ یہ بات فرما رہے ہیں، یہ پس منظر ہے کہ ان کو اپنی تقریر میں یہ بات کہنا پڑی چونکہ تمام کمیونٹیز کے لوگ اس میں شامل تھے۔ وہ اس تقریر سے کیا پیغام پہنچانا چاہتے تھے اس وقت کی نسل تک اور آنے والی نسلوں تک، یہ میرا سوال ہے، اس پر بات کیجئے۔ قائد اعظم کیا پیغام پہنچانا چاہتے تھے؟ آپ کے سوال کے مجب میں بات کروں گا کہ قائد اعظم اس پر یکسانیت کی اور مساوات کی کا سبق دینا چاہ رہے تھے، اور مذہبی تعصب اور تنگ نظری کے خلاف بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آج سے ملک تمہارو، اور میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اس وقت انہوں نے ڈیموکریٹک ریپبلکن پاکستان کہا تھا، انہوں نے کوئی دوسرا پاکستان نہیں کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ عوامی جمہوریہ پاکستان جس کی جدوجہد۔ خالد صاحب، خالد صاحب بہت شکریہ، میرے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں پھر یہیں سے بات جاری رکھیں گے۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔
जी बात कीजिए। हेलो बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी आवाज आपकी साफ नहीं है, अगर आप दोबारा कॉल करें और अगर कोई शख्स समझ सका है क्या सवाल है तो मुझे प्लीज कन्वे कर दीजिए, हम इस पर बात करते हैं फिर। जी आप दोबारा कॉल कीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं है। हेलो बोलिए। हेलो जी सवाल कीजिए आप। हाँ जी मैं कह रही हूँ कि आज लॉन्ग टर्म क्वेश्चन फॉर्म है, तो आई एम स्टूडेंट, तो आई वाज जस्ट आस्क्ड इज देयर एनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अस। जी मुझे आपकी आवाज़ साफ नज़र नहीं आ रही, कुछ सुनाई दे रही, कुछ टेक्निकल ख़राबी है शायद, अगर आप दोबारा कॉल करें आपकी मेहरबानी तो फिर हम आपकी जो भी सवाल है या जो राय है उस पर बात कर सकते हैं, आप दोबारा कॉल कीजिए प्लीज़। जी खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा खोल कर बयान किया है। मोहतरम फेरर हमीद साहब तारीख पर आपकी निगाह, कायदे आज़म क्या पैगाम देना चाहते थे 11 अगस्त की तारीख से, फिर मैं अर्ज़ करूँगा उस वक्त की जो नस्ल थी और आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं मोहतरम एफ हमीद साहब। जनाब कायदे आज़म का जो पैगाम था बड़ा वाज़े है कि अगरचे इस मुल्क में अब मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन इसके बावजूद किसी शख्स से उसे उसके मजहब की वजह से कोई तख्सीस नहीं रखी जाएगी, सिंपल ये पैगाम था। उन्होंने बार बार इस्लाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो पार्टीज जो शुरू में पाकिस्तान के कयाम के खिलाफ थी, बाद में उन्होंने भाग दौड़ का झंडा पकड़ के आगे आगे हो गए। वो कायदे आजम मॉडर्न एजुकेटेड इंसान थे, इंग्लैंड में इतना अच्छा गुजारा था, वहां के मुआशरे से उन्होंने तंग नजरी नहीं बल्कि कुशादा दिली सीखी। बहुत शुक्रिया, वो चाहते थे ऐसा कुशादा दिल मुआशरा हो जिसमें कोई तफरीक ना हो, कोई इम्तियाज ना बरता जाए, सब बराबर के शहरी होंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। डॉक्टर दानियाल साहब और जिंदगी टीवी आपकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। सलाम जनाब। मैं जिला उकाड़ा हुजरा शाम सिंह के साथ बात कर रहा हूँ। जी जी बात कीजिए, सारी दुनिया सुन रही है आपकी बात। हाँ जी सर, जो आपने तारीख के हवाला से पाकिस्तान को बनाने में जो मसीहों ने करतार अदा किया, अपनी जानों के नजराने दिए और अपना मालूम मता भी निशावर किया, पाकिस्तान के शाना बशाना हक में वोट भी दिए, कायदे आजम का साथ दिया कि ये हमारा एक लैदा रियासत होनी चाहिए पाकिस्तान, उसमें उन्होंने खिदमत की, दिलो जान से आपने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और आज उन्हीं मछलियों को ही कर पीछे ढकेला जा रहा है और उनके नामों को खत्म किया जा रहा है, जानों को भी खत्म किया जा रहा है जो पाकिस्तान बनाने सबसे आगे थे, आज उनको पीछे किया जा रहा है, तारीख में से उनके नाम भी खत्म किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल में सर छोटा सा वर्कर हूँ, सरकारी आरएचसी हुजरा शाम सिंह में छोटा सा वर्कर हूँ, मुझे खत्म करने के डर से चुले हुए हैं डॉक्टर खालिद महमूद एनसीपीएस इधर के आरएचसी के, वो मेरी जॉब के साथ आत्मा हो गए हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इस वक्त मोहतरम वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग जो मेरा शो रिकॉर्ड करते हैं और अहकाम बाला तक पहुंचाते हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये जो खालिद साहब हैं ये पिछले काफ़ी महीनों से, ये जो डॉक्टर खालिद साहब हैं उनसे भी दरख्वास्त है, अगर वो सुन रहे हैं तो अगर वो देखें प्रोग्राम तो दरख्वास्त होगी कि इनकी मदद की जाए, चूँकि ये पाकिस्तान के शहरी हैं और ज़्यादती होती है। भाई शुक्रिया आपने कॉल की, कोई और बात करना चाहेंगे, बहुत से और कॉलर भी साथ हैं तो आप बात कीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप पाकिस्तान के हवाले से और जो दुखी नसीब हैं, जो मैं तो अभी बात करना, कोई ऐसे और भी
दुख में शामिल है जो अपनी बात नहीं शेयर कर सकते या उनकी रसाई नहीं होती, कामे बाला से जो हमारे अफसरान है उन तक आवाज की नहीं पहुंचती, वो इसी तरह किसते रहते हैं। सर उनके लिए इसी तरह इकदाम किए जाए, ये आपके बहुत जी कोई बात नहीं। आप अपना टेलीफोन आप अपना बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप अपना टेलीफोन दे दीजिएगा टीम को, मेरी कोशिश होगी कि आपका मसला जल्द हल करवाया जाए और खुदामंद इसमें मदद फरमाएगा। आप अपना नंबर दे दीजिए, कोई और बात करना चाहेंगे आप? हाँ जी, नंबर सर यही है 0313-7421-640। ठीक है, पूरी कोशिश होगी इसी हफ्ते में खुदामंद करेगा आपका ये मसला हल हो जाएगा। खालिद साहब आपको तंग नहीं करेंगे, ये मेरी दुआ भी है और हम कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया सर जी, कोई बात नहीं, खुदामंद आपको बरकत दे, कॉल करते रहें आप। शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी आपको हम फजल रबी शो में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, बात कीजिए। सलाम कर रही हूँ जी। जी सलाम, सलाम करती हूँ आपको। आपको भी सलाम। हाँ जी, मेरे वालिद साहब भी फौज में थे तो बहुत देर की, उनका नाम अर्जन था। अच्छा, फिर उनका नाम बाद में रखा गया, वो जब फटर हो गए तो वो घर उनका पैसा पूसा सब कुछ मारा गया, लेकिन हम बहुत रोड पे आ गए। फिर हमने मेहनत की, मेरी माँ ने, तो हम भी लाहौर के, खास लाहौर के हैं, जहाँ मेरा डैडी रहते थे। मैं सारी जगह मुझे पहचाने, मुझे 25 साल हो गए मुझे अमेरिका में बैठे, पीछे मेरे सारे बच्चे मार दिए उन्होंने। इस्लामाबाद जब वाक्य हो गया पूरी फैमिली मारी है ड्राइवर नमाज ने, अखबार भी है मेरे पास, मेरे अबू की भी पुरानी तस्वीर है फौज की। अच्छा, तो बाकी कुछ नहीं रहा, मैं अकेली रह गई हूँ, तो मैं इधर भाग आई। ठीक है, तो मेरा भी, मेरे अबू ने बहुत पाकिस्तान के लिए किया, हम क्रिश्चियन थे उस वक्त, सब काजे आदम से ये सब थे, लेकिन हमारी बातें अब बताते होते थे वाले साहब। फिर तस्वीरें देखी, फिर मेरा एक भाई था वो दिमाग का पागल था, उसने सारी तस्वीरें फाड़ दी, सिर्फ दो तस्वीरें बची अभी भी मेरे उधर घर पे है। तो इन्होंने क्या क्या किया, अब मेरे अबू ने बंगाल में जब जंग हुई है बांग्लादेश में, फिर उधर एक दो साल का बच्चा था, वे उधर रो रहा, सारा माँ बाप उसका मर गया, मेरे अबू ने पीछे ठा के ले आए, 10 दिन अपने पास रहा, उधर का दूध पिलाते रहे चूल्हियों हाथों से। अच्छा, मैं खैर पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन इधर हूँ। अच्छा, फिर उसने क्या किया, बाल पोत के बंगाली था। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया बहन, आपका शुक्रिया, आप कॉल कर रही हैं, कुछ और लोग भी कॉल करते हैं जिनको वक्त देना होता है, तो आप मुख्तसर बात बता दीजिए सारी दुनिया को, क्या है आपके दिल में, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे दिल में कुछ नहीं है, मेरे उधर बच्चे हैं रहते हैं, मुझे तो डर लगता है उनको आगे मार दिया आधे को, वो बेचारे चुपे पड़े, ये किसी के बनते नहीं है, मुसलमानों को जितना भी करेंगे ये किसी के नहीं बनेंगे, इन्होंने क्रिश्चियनों के साथ करना ही करना है, ये मैं बता दूं, हम जितना भी करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कम्युनिटीज़ में, हर एक कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। सो आपका शुक्रिया, आपने कॉल किया, दुआ कीजिए सबके लिए, खुदामंद सब पर रहम करे। इनके लिए भी दुआ करते हैं जी, जब दुआ करते हैं ना इनके लिए भी दुआ करते हैं, खुदा इनको सलामती दे। जी बहुत शुक्रिया, यही बात है कि हम सलामती के फर्जंद हैं और हमें सलामती की दुआ के साथ अमली तौर पर भी हमें सलामती को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर की, और उसमें दोनों मेहमानों ने अपनी राय दी कि वो पाकिस्तान में तमाम बसने वालों के लिए बराबरी की सतह पर इज्जत, एहतराम और हकूक़ की बात उन्होंने फरमाई थी। बाद में आने वाले शायद खुद भूल गए या उनको भुला दिया गया या कुछ और मुहरकात जिनके सबब से ये सब बातें उस मुआशरे का हिस्सा बन गईं। अब मेरी दरख्वास्त होगी मोहतरम हमीद साहब, आप ये बताइए
कि मेडिकल में, अदलिया में और तालीम के शोबों में, और फिर खालिद साहब आपसे भी दरख्वास्त होगी इस पर रोशनी डालिएगा, मसीहों का हिस्सा मेडिकल, अदलिया और तालीम में खास तौर पर हमीद साहब तीनों पर रोशनी डालिए। जनाब सबसे पहले मैं तालीम का जिक्र करना चाहूंगा, ये तालीम की वजह से ही सारा कुछ हुआ, ये जो रोशन ख्याली तहरीक पाकिस्तान चली। इसमें कौन कौन से लोगों का नाम लेंगे आप? हमीद साहब मैं माफी चाहता हूं, आपने बात ये की, कौन कौन से लोग थे जो पायनियर थे इसके, थोड़ा सा अगर बताना चाहें। जनाब सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले मसीही लोग थे, और सबसे पहले डेनमार्क की एक कॉलोनी थी और वहां लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। रोलैंड, कैप्टन रोलैंड क्लिप थे जो पहले जहाजरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर लैंड किया, और उस वक्त डेनमार्क के बादशाह थे क्रिश्चियन फोर्थ, क्रिश्चियन चहारम। उन्होंने बाद में कुछ लोग मिशनरियों को भेजा जिन्होंने 1715 में बाइबल को छापना शुरू किया तमिल जबान में। उसके बाद सिरामपुर में विलियम कैरी ने प्रिंटिंग प्रेस लगाया और बंगाली तालीम को, बंगाली स्क्रिप्ट को, उसको तरक्की दी। और उसके बाद जहां भी मिशनरी गए उन सब ने वहां स्कूल खोले। पहले आपका मशहूर एफसी कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी तकरीबन पहले हुआ, 1864 में पादरी चार्ल्स डब्ल्यू फोरमैन ने बनाया। पंजाब यूनिवर्सिटी बाद में बनी है 1882 में। तो तालीम के शोबे में बड़े बड़े कॉलेज नाम याद है आपको, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, मरे कॉलेज सियालकोट, और लाहौर में कितने स्कूल हैं। इन शुरू में तो जितने भी ये जो बड़े बड़े लीडर हैं ये सब मसीही स्कूलों से ही पढ़े थे, और वहां बिल्कुल कोई तख्सीस नहीं थी। मुझे जिक्र करने दीजिए, ये खुशगवार नहीं, पिछले दिनों एक वाकया हुआ, अखबार में भी आया कि एक फैमिली पाकिस्तान में, मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो बच्चे के दाखिले के लिए गई और इंतजामिया ने इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आप यहीं से जारी रखिएगा, हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं इनसे बात करते हैं और फिर आप यहीं से जारी रखिएगा। जी आपको बराए रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, वक्त हमारे पास कम है, बात कीजिए, बात कीजिए जनाब। हेलो, बात कीजिए सर। जो राजस्थान में बातें की है वो दुख है और कम लग रही है, सब तक पहुंच चुकी है, क्या तो ये लोग हमें बर्दाश्त नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, कोई और बात करना चाहेंगे? ये लोग हमें भी इंसान समझें, ये बात आप कर रहे हैं, ये दिल की पुकार है, दर्द है जो एक मसीही पाकिस्तानी इसका इजहार कर रहा है। मोहतरम बहुत शुक्रिया, कोई और बात करना चाहेंगे? जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी बात कीजिए, और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जो कनेक्शन साफ नहीं है वो जब तक साफ ना हो वो कॉल ना लें, बड़ी मेहरबानी, चूँकि आवाज साफ सुनाई नहीं देती। बात कीजिए जी, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। नुमान भाई कैसे हैं आप, बात कीजिए। जी मैं ठीक ठाक, आप सुना? और सर मैं बात करना चाहता हूँ, आपका शो आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही, आप खुदा आपको बरकत और बहुत ही नॉलेजेबल बातें आप बता रहे हैं, सर अमीद साहब और
दूसरे हामिद गिल साहब वगैरह। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे तारीख को भी दोहरा रहे हैं, तारीख की बातें भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप ये नहीं समझते कि हमारे मसीहियों की भी कमजोरी को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि देखिए हर दफा हमारा कोटा भी मौजूद है, हर पोस्ट में हमारा कोटा मौजूद है, हर गवर्नमेंट की जॉब में सीएसएस में हमारा कोटा, लेकिन हमारे जो मसीही है उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी तालीम की तरफ अपना रुझान करें। क्योंकि हमारे मसीही जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, हमारे जो मसीही बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जाते, वो काम के बचपन से उनको यही तालीम की, लेकिन हमारे तालीम की तरफ भी तो हमारा रुझान होना चाहिए मसीहियों को, ताकि वो अपनी तारीख को और सब को आपको पढ़ सके। आप इसमें मसीहियों का किरदार वो कैसा लेते हैं, कमजोरी कहेंगे या आप किस चीज को मद्देनजर रखते हुए? जी बहुत शुक्रिया, ये सवाल मैं करने जा रहा था थोड़ी देर बाद, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 12 मिनट्स बचे हैं, तो मेरी दरख्वास्त होगी जी ये सवाल आया है, और इकबाल साहब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, सब जगहों पर होते हैं, तो हिम्मत ना हारिए, अच्छे बहन भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं रोशन पाकिस्तान, रोशनी की किरणें, फिर इस पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये क्लिप भी शामिल हो जाए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्लिप देखते हैं, इकबाल साहब खास तौर पर आपके लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इजाज सेज हिज प्रेयर्स एवरी डे एट द मॉस्क एंड देन ही गोज टू चर्च। He's helping to build a place of worship for his Christian neighbors and hoping they can live together in peace. A big dream in Pakistan where religious minorities are often under attack. After local rites we are trying to bring people together even more. We have increased our activities so we don't have to face something like that. By building this church we want to show that we are united as a community. Faryal Masih is a Christian. He does not share the same faith as Ijaz, but they share a childhood friendship that is beyond religion. These people have not forgotten the violence of the past, but they are determined to prove that communal violence can be defeated by individual acts of love. This church being built in a small village by the Muslims, it is very significant. It shows that people have love in their hearts, they want to stay together. If there are those that fuel the fire, there are also those to douse the flames. ये इकबाल साहब आज के दौर की बात है, आग लगाने वाले भी हैं और उस आग को बुझाने वाले भी हैं, और ये एक ऐसी मिसाल है हमारे मुसलमान और मसीही बहन भाइयों के लिए कि हम इकट्ठे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए, आज भी अगर एक छोटे से गांव में मुसलमान अपनी मेहनत से, अपने पैसे से एक चर्च तामीर कर रहे हैं ताकि वो दिखा सकें कि इस मुल्क में इकट्ठे रहना, एक दूसरे के इज्जत और एहतराम के रवैयों को अमली शक्ल देना आज भी मुमकिन है, और पाकिस्तान अपने तमाम वासियों से यह तकाजा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कयाम और तामीर व तरक्की में मसीहों का करदार। मेडिकल की बात की गई, बहुत शुक्रिया हमीद साहब। खालिद साहब, अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अदलिया में मसीहों का क्या करदार रहा, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। मैं डॉक्टर साहब जरूर अदलिया पे भी बात करूंगा मैं, क्योंकि हमारे दिफा, तालीम, सेहत, सहाफत और सियासत में जितना करदार है उसको जितना भी बयान किया जाए वो कम है और अपने लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन बात चूंकि सुबह योम अकलियत है, 11 अगस्त है, तो मैं योम अकलियत के हवाले से अपडेट देना चाहता हूँ आप तमाम हजरात को कि जब हमने 1985 से योम अकलियत को लेके अकलियती खालिद साहब मेरी दरखास्त होगी आपसे, सिर्फ एक दरखास्त है, ये सारी बातें लोग जानते हैं ऑलरेडी, इनको आप बड़ी माजरत दोहराने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ जो तारीख में हिस्सा डाला गया है अदलिया का,
उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। ये जो बातें हैं ये फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर तफसीलन करेंगे, लेकिन इस वक्त आप जो बुनियाद है हम उसकी बात कर रहे हैं और परवान चढ़ाने वालों की बात कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, ये सारी बातें अहम हैं, लेकिन थोड़ा सा आप तारीख में लेकर जाइए। आप हाल की बात कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँगा आपका। अदलिया के वाले से सर, मैं ए आर कर्नीलियस साहब का नाम, एल्वर रॉबर्ट कर्नीलियस का नाम जो है ना, किसी भी के सामने ढका छुपा नहीं है, जिन्होंने 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, और उसके बाद जो किसी को ये मौका नहीं दिया गया, हालांकि जस्टिस भगवान दास साहब जो सीनियर तरीन जज थे उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, और उसके बाद जस्टिस एम एल शाहानी साहब, मोहल्ला शाहानी साहब थे, जस्टिस भजनदास पेजवानी साहब थे, जस्टिस जमशेद रहमतुल्ला साहब थे, जस्टिस सैमसन जोसफ साहब थे, इनको उन्होंने कंफर्म जज नहीं किया। और अदलिया में एक काफी सारा बुरान आया, और ना सिर्फ हाई कोर्ट की अदलिया में और अदालत उज़्मा में, उसके बाद अब निचले की अदालतों में सेशन जज कोर्ट्स में आ गए, तो गैब्रियल फ्रांसिस को अल्जाम जेल लगा के दे दिया कि एक बेल उन्होंने ले ली एक मासूम लोगों की, तो उसको फारिग कर दिया गया। इंद्रियास बरकर साहब को हाईकोर्ट को जज बनाए बगैर उनको फारिग कर दिया गया, आइजक जेकब साहब को हाईकोर्ट का जज बनाए बगैर फारिग कर दिया गया, और एक सिविल जज हमारी मरियम कैसर साहबा, मरियम कैसर साहबा के बारे में मैं जरूर जिक्र ये करूंगा कि वो चौरी चंदूलाल की अकलौती औलाद, उनकी बेटी की बेटी है, और इसराइल कैसर जो शेखपुरा के आज भी मशहूर मरूफ वकील है उनकी बेटी है, उनको भी उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगा के नौकरी से ही निकाल दिया। इसलिए एक साजिश हो रही है, एक बहुत बड़ी साजिश है लोगों को पीछे हटाने की, और अदलिया में हालांकि जो 5% कोटा की मेरे भाई ने बात की है, उस 5% कोटा में हमने जो नोटिफिकेशन कराया था उसमें ये था कि हर शोबाए फिक्र में, हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वहां पे ऑटोनमस बॉडी है, वहां पे जुडिशरी है, वहां पे कॉरपोरेशन है, वहां पे बोर्ड्स हैं, वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे डिवीजन्स हैं, या वहां पे फौज पाकिस्तान के इदारे हैं, वहां पे तमाम के तमाम इदारों में 5% का कोटा दिया जाएगा, और वो कोटा सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का मेरिट होगा, और उसमें जर्नल सीटों पर भी माइनॉरिटी के लोगों को अप्लाई करने का हक होगा, और अगर माइनॉरिटी की सीटों पर माइनॉरिटी के कैंडिडेट नहीं आते तो वो सीटें कैरी फॉरवर्ड वैकेंट होंगी और फिर से अनाउंस होंगी, ताकि अकलियतों के ही जो लोग आएंगे उनके हवाले से पूर्ण की जाए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने। हमारे पास सिर्फ इस वक्त 4 मिनट हैं। फैरर हमीद साहब, मसीही जो हैं वो क्या करदार अदा करें इस वक्त जो वक्त का तकाजा है? बच्चे ने सवाल किया था, 2 मिनट मैं आपको दूंगा, 2 मिनट खालिद साहब को, तो आप बताइए मसीही क्या करें? हालात हैं, लेकिन इसमें जैसा कि हमने देखा जो हमारी मसीही लोगों के लिए हालात गोया हमेशा ही मुश्किल रहेंगे। सबसे बड़ा काम जो है, जो कायदे आजम ने फरमाया था नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें, यही राज है। तालीम की वजह से ही इंसान आगे बढ़ सकता है और नॉलेजेबल हो सकता है, इसके सिवा दूसरा चारा कोई नहीं है। कायदे आजम में एक इंसानियत है पूरी दुनिया में कि उन्होंने पुर अमन तरीके से एक मुल्क हासिल किया जो कहीं भी नहीं हुआ, जमाने में कहीं नहीं हुआ। तो मेरी यही उनको नसीहत होगी कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया हमीद साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, अब आपके पास हमारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, बात कीजिए। जी बात कीजिए प्लीज। सर कैसे हैं आप? डैनियल साहब, स्वाबी पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया, 3 मिनट हैं, बात कीजिए। सर मैं पहले तो पिछले प्रोग्राम का बहुत बहुत खुदाओं का शुक्र गुजार हूँ कि आपके तवसुत से खुदाओं ने हमें इतना कुछ सिखाया कि हम लोग किस हकूक से यहाँ रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात छोटी सी बात करना चाहूंगा सर, हमारे इधर ये हो रहा है कि जो अफगानी लोग हैं इनको बाहर इनको वापस भेजा जा रहा है ना, ठीक है? तो क्या हुआ कि कल एक लड़का मुझे कहता है कि आप उस मुल्क में खुश हैं? मैंने उनको कहा
कि हम क्यों नहीं खुश, हमारा अपना मुल्क है। दूसरी बात ये कि वो कहते थे यार आपका, मैं कहता मैं हमने आप लोगों को ये मुल्क दिया है, आपने हमें नहीं दिया। क्योंकि जो जो बात टिंडा साहब के हवाले से आप लोगों से खुदाओं ने सिखाई हमें, तो बहुत ज्यादा इससे हमारे जो कमर जिसको कहते हैं मजबूत होना। बहुत शुक्रिया, एक बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप अपनी बात मुख्तसर कीजिए, एक और कॉलर है फिर वक्त खत्म हो जाएगा, मुख्तसर कर लीजिए बात, एक और कॉलर भी है जल्दी से प्लीज। यही बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम, कॉल करते रहिए, जब भी आप शो देखें कॉल जरूर कीजिए। एक और कॉलर है जल्दी से बात करते हैं इनके साथ, बात कीजिए जी, बिल्कुल दो मिनट है हमारे पास, जल्दी से बात कीजिए प्लीज। जी जी, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, हम लोग 1947 के पहले से सिगरेट ले रहे हैं, आज तक हमारा यहाँ सिगरेट सिस्टम नहीं आता था। आप जो भी वहाँ पर आपके MNA या MPA हैं उनके पास ज़रूर जाएं, और मेरी दरख्वास्त होगी, आप किस एरिया से कॉल कर रहे हैं, चूँकि दोस्ती भी है मोहब्बत करने वाले भी हैं, तो ज़रूर आपकी दरख्वास्त भी उन तक पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया, आप अपना नंबर बस दे दीजिएगा, हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1-1.5 मिनट हमारे पास बाकी है, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आप तमाम साहबान जिन्होंने कॉल किया, बहनों भाइयों ने आपका शुक्रिया, हमारे मेहमान जो हमारे साथ शरीक हुए, मोहतरम एफ़ हमीद साहब, मोहतरम खालिद गिल साहब, आपका भी शुक्रिया। एक कॉलर हैं, ये कॉल ले लेते हैं, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट बाकी है, तो प्लीज़ कॉल ले लीजिए जी, बात कीजिए जी। साहब 1 मिनट है जी, जल्दी से बात कर दीजिए फिर खत्म करेंगे। आवाज साफ नहीं है मोहतरम, आप जरूर हमें कॉल कीजिएगा, शो का टाइम आप जानते हैं, और ये भी यहां पर बता दूं कि August 26th से हमारा जो शो है वो जुमे के रोज़ हुआ करेगा, इसको भी आप नोट फरमा लीजिए, और खुदावंद आप सबको बरकत दे जो हमारे साथ शरीक हुए, और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ तमाम जो आला ओहदों पर फाइज हैं और जो आम पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में रहते हैं, एक बात याद रखिए कि ये ज़िम्मेदारी तमाम लोगों पर है कि वो अपने अमाल से किस तरह सलामती, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद, उसकी तामीर में मसीहों के हिस्से पर हमने बात की, बहुत सी बातें रह गई हैं, फिर किसी वक्त अगर खुदावन ने मौका दिया तो बात करेंगे। आगाज़ में मैंने बताया था कि खित्तों की आज़ादी के अलावा भी बहुत सी गुलामियाँ हैं, और उन गुलामियों से कौन निकाल सकता है, इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम रूहानी गुलामियों में यहाँ से चले जाएं और फिर हमारी ज़िंदगी उन गुलामियों की वजह से अज़ियत का शिकार हो जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान दानियाल।